नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स एंड बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं चांद मुनि बाबा भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण के करीब में, चांद मुनि मठ। इस मठ में आज एक फ्रेंडशिप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। सिलीगुड़ी के जितने भी फोर व्हीलर्स डीलर्स हैं, जिनमें आपस में तो प्रतियोगिता का भाव होता है, लेकिन आज एक दोस्ताना माहौल में क्रिकेट मैच का आगाज करने जा रहे हैं वो। इस क्रिकेट मैच का नाम है सिलीगुड़ी ऑटोमोबाइल होंडा ट्रॉफी 2023 के नाम से है। ये सिलीगुड़ी ऑटोमोबाइल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है, इसको ऑर्गेनाइज जो किए हैं उनका नाम, उस कंपनियों का नाम है ग्लोबल स्कोडा मोटर कॉरपोरेशन एंड इम्प्रेशन होंडा। तो इसी से जुड़ा हुआ आइए तथ्यों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ सिलीगुड़ी के प्रतिष्ठित वीआईपी आए हैं एज अ गेस्ट के रूप में। आपको मैं उनसे भी रूबरू करवाऊंगा और चीज़ों को स्पष्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ और आनंद लीजिए इस पल का जो बहुत ही अनोखा और आकर्षक है। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद। अरे অন্য কোন মোবাইল থেকে একটা লাগিয়ে দিলে তো হয়ে যায়। आप सभी को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जोश में है ना? तो आज धूम मचाएंगे ना? यस। और कैसा लग रहा है, आप अपना फीलिंग्स बताइए। बस फीलिंग अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है हम लोगों को। चलिए, ऑर्गेनाइज हो रहा है अभी, बहुत ही अच्छा हो रहा है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है अभी। जी 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 जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सब हम सब एक्साइटेड है, एक्साइटेड हो ना तुम लोग? यस यस यस। तो यहाँ पे क्या आज धूम मचाना है ना? यस। चलिए, चांद मुनि ये प्रांगण में आज जो मैच हो रहा है, आप लोग सभी अभ्यास तो किए हैं जी, इससे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अपना बेहतर प्रदर्शन कीजिए। कहते हैं ना, गिव योर बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। आप सहमत है ना हमसे? तो हिप 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 हिप, दैट्स ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक। ग्रेट ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक माय डियर्स। आप लोग किस टीम से भाई? क्या बात है, चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कौन से टीम से? स्कोडा। आपको भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छा प्रदर्शन कीजिए और धमाका मचा दीजिए। व्हाट्स योर नेम? देवदीप। व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट यू वांट टू बिकम इन द कमिंग फ्यूचर? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। ओ ग्रेट, मैं पहले आपको सैल्यूट करता हूँ, आप जरूर बनेंगे। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास वन। ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर। आनंद सर, ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम सर। तो सर बताइए, यहाँ पे आज सिलीगुड़ी ऑटोमोबाइल्स क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय ग्लोबल स्कोडा मोटर, ये एक ऑटोमोबाइल जितने भी डीलर्स हैं या उसके जो स्टॉकिस्ट हैं, एक्सेसरीज वगैरह के जो स्टॉकिस्ट हैं, ये सब लोग का मिल के उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। एंड इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग। सिलीगुड़ी जैसे शहर में सब डीलर लोग को या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितने लोग हैं उन लोग को एक जगह लाना और सब में खेल की भावना। देखिए, सारे डीलर्स हैं, सब आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, सबको अपनी गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल बेचना है, तो यहाँ पे भी थोड़ा कंपटीशन कर लें।
फ्रेंडली कंपटीशन खेल करके, तो दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएशन आई विल से, कि जो स्कोडा की तरफ से ये उन लोगों ने करके चालू किया है. आई रियली कैन कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी प्लेयर एंड ईच एंड एवरी टीम दैट दे प्ले विद द बेस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड द एटीट्यूड. सर तो ये वास्तव में सर प्लान किसका था सर? ये मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, पर ये प्लान जो है हमारे मिस्टर अरबिंदो सरकार बहुत दिन से पका रहे हैं ये खिचड़ी. अच्छा अच्छा, तो उन्हीं का प्लान है, उन्हीं का सारा मेहनत है. सर तो वो यहाँ पे हैं हमारे बीच, वो खड़े हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. जी सर, थैंक यू, माय प्लेजर सर. तो आज का जो यहाँ का प्रोग्राम है इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए. देखिए, मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा कोई टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे अपने सिलूड़ के सारे ऑटोमोबाइल डीलर्स लोग एक साथ खेल रहे हैं. तो अब की बार तो 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. नॉर्मल डेज़ में तो सब कॉम्पिटिटर है भाई, अपने अपने गाड़ी बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन आज सब ऐसा टीम खेल रहे हैं, मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन आज. तो ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है, हर साल और होना चाहिए. अब की बार 8 टीम है, अगली बार हम उम्मीद करते हैं 16 टीम होगा, तो सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या है कि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा. कौन सा टीम से हैं? जी हम कोई टीम से नहीं है, हम आरएस डिस्ट्रीब्यूटर के ओनर है, तो अपना 3M इंडिया लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर है. तो हम सारे डीलरशिप्स में ये पॉलिशिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पेंट्स प्रोवाइड करते हैं. वैसे रंगीत ऑटो भी अपना है, तो वो टीम भी खेल रही है, तो हम सोचे उनको चीयर करने भी आ जाते हैं. शोरूम सर चेक पोस्ट में है, रंगीत ऑटो टाटा मोटर्स का डीलरशिप, तो वो भी अपना है सर. और आप अपने टीममेट्स को यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, आई विश देम ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेले सब, मे द बेस्ट टीम विन, और अगले साल और जोश के साथ और बढ़िया प्रिपरेशन के साथ आए. बहुत धन्यवाद मेरे भी तरफ से, मेरी टीम के तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. देखिए मैच प्लान से पहले तो एक बात है, जो ये सेकेंड टाइम ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है. 2019 में एक बार ऑर्गेनाइज हुआ था, ड्यू टू कोरोना वायरस के वजह से बीच में 3 साल बंद हो गया. अभी फिर से इस साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और होंडा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिए हैं, तो हम लोग एक साथ मिलकर ये वाला खेल को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं. और दूसरा बात है कि टीम प्लेयर्स को तो सभी को एनर्जी तो मिलेंगे, उसके साथ क्या होता है कि सारे ऑटोमोटिव सेक्टर के जितने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन लोगों का भी थोड़ा सा मन रहेगा कि साल में एक बार अच्छा सा एक टाइम बिताए, जो एक साथ गैदरिंग होके, क्योंकि काम के दौरान हम लोग बाहर के बंदे से मिल नहीं पाते हैं, दूसरे एक कंपनी दूसरे कंपनी से सब, लेकिन यहाँ पर आने से सामना सामने में मुलाकात भी हो जाते हैं, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है. ये करके मेरे को भी अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइज़र बाद में, पहले मैं एक प्लेयर हूँ जो खेलने के लिए. एक बार हमको प्रकाश डाल के बताइए 8 टीम कौन कौन सा है? अच्छा टोटल 8 टीम में है, एक तो होंडा से आए हुए हैं जो इम्प्रेशन होंडा है, एक है आपका मेरा खुद का है जो है ग्लोबल स्कोडा, तीसरा है आपका वेसल ऑटोमोटिव जो टाटा के हैं, एक टाटा का और एक डीलर आए हुए हैं जो रंगीत है, आपका आए हुए हैं आपका SGMG जो एक मल्टी गैरेज हैं जो आए हुए हैं, आपका बड़े रोबेल्डो एक है वो भी एक मल्टी गैरेज है, आपका आए हुए हैं आपका 6 और 7 तक आपका और 2 टीम हैं जो हुंडई कंपनी का एक डीलरशिप है यहाँ पे, और हैं आपका लेक्सिकन जो टाटा का है, टाटा का यहाँ पे 3 है जो एक वेसल ऑटोमोटिव, एक है रंगीत और एक है आपका लेक्सिकन मोटर्स. तो ये सबका टीम का जो आप टीम का क्या क्या नाम से आप लोग उठा रहे हैं ग्राउंड में? सभी का अपना अपना कंपनी का तो अपना नाम तो है ही, लेकिन हम लोग ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका नाम दिए हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सिलीगुड़ी ऑटोमोबाइल क्रिकेट टूर्नामेंट. जी जी. अच्छा इतना अच्छा भावना है स्पोर्ट्स स्पिरिट, ये कहाँ से आप लोगों के अंदर आया, कैसे प्रेरणा मिला इसके बारे में थोड़ा बताइए, और किसके अंदर की ये सुगबुगाहट है जो आज ग्राउंड में उतारने पर आप इसको पूरा जी जोर और जान लगा दिए हैं? एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि मेरे मम्मी जो हैं वो बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी ज़रूरत होता है, तो हम लोग काम करते हैं 8 घंटा जो जगे हुए रहते हैं, तो उसके अंदर पूरा टाइम चला जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर खेल कूद रहता है तो फिज़िकली हम लोग फिट रहते हैं, तो ये भी ज़रूरत है, माइंड का भी एक पुष्टि मिलते हैं, तो वहीं से आए हुए हैं, अब बोल सकते हैं मम्मी का ही है. ग्रेट, आपके माता जी को मैं नमन करता हूँ कि इतना अच्छा भावना है और सबके अंदर ये होना भी चाहिए आज के समय में.
कहीं ना कहीं अभी के नौ युवक ज्यादातर मोबाइल में बिजी हो गए हैं, उनकी दुनिया ही सिमट के रह गई है। Absolutely. और हम लोग क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती ये सब खेला करते थे, आज वो है ही नहीं वो खेल। अरे आप 10 बंदों से पूछिए आज के डेट पे कि हम लोगों का नेशनल खेल कौन सा है, वो बोल नहीं पाएंगे। एक्चुअली खेल के बारे में उन लोगों को सिर्फ है कि मोबाइल और टीवी, अदर्स तो वो फिजिकली फील्ड में उतर के जो खेलना होता है वो वाला भूल गए एकदम। अच्छा अब एक बार प्रकाश डालिए हमें, आपका जो टीम अगर टॉस जीतता है तो आपकी क्या रणनीति होगी ग्राउंड में? ये देखिए टॉस जीतने से हम लोग पहले बैटिंग ही करेंगे। बॉलर का नेम क्या है, क्या टारगेट देंगे? 100 का टारगेट रखेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। और अगर आप टॉस जीत करके अगर आपको फील्डिंग करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में ऑपोजिशन को आप कितना पे रोकना चाहेंगे? देखिए मेरा टीम का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो फील्डिंग का, तो कहीं पर भी वो आगे करना पड़े या बाद में ये कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को, बट हाँ अगर टॉस जीते तो बैटिंग करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको हमारे टीम की ओर से। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओके सर, मेरा नाम है अरविंद सरकार, ग्लोबल स्कोडा मोटोकॉर्प से हूँ। यहाँ पे आकर के यहाँ का अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी खेला होता है मैं पहले जाने कोशिश करता हूँ, साथ में इस खेला के जो ऑर्गेनाइजर थे और इस खेला की जो टीम है गोड़ादा, हम बोलते हैं गोड़ादा और सिलीगुड़ी ऑटोमोबाइल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 जो आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे से ढंग से सफल हुआ। सारे टीम बहुत अच्छा से खेला और खेल ही एक ऐसा चीज़ है लोगों को मोटिवेट करता है, खेल काम का हो या जितने भी आजकल दुनिया में प्रेशर है, खेल में आने से प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए हर जवान नौजवान को खेल से जुड़ना चाहिए। आज का जो खेल हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो नौजवान आज के समय में मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा व्यस्त हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोबाइल की दुनिया में जो व्यस्त है वो आपको खेल में पता चल जाएगा कि 10 कदम नहीं दौड़ पाएंगे, इसी से पता चल जाता है। जो 10 कदम दौड़ रहा है, हाथ में बॉल ले रहा है, बैट ले रहा है, उनको पता चलेगा कि खेल से जुड़ा हुआ इंसान है, इसीलिए खेल में जुड़ना जरूरी है, मैदान में जाना जो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही शानदार जो ऑर्गेनाइज हुआ और बहुत ही शानदार यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने जो इंतज़ाम किए, बहुत बहुत अच्छी तरह से किए इंतज़ाम, और जो हमारे टीम है बहुत ही अच्छे खेले हम लोग, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया सब टीमों ने, सब 11 का 11 प्लेयर ने अपना बेस्ट दिया, बहुत ही अच्छा किया हम लोग का प्लेयर लोग। तैयारियाँ हम लोगों की शुरू से ही कुछ वैसा नहीं था, लेकिन एक मोटो था मन में कि हम लोग ऑब्वियसली विनर होंगे, कोशिश करेंगे विनर होने का, और विनर हो भी गए हम लोग। हम लोग का मोटो वही था कि सब एक टीम होके खेलेंगे, सब लोग एकजुट होके एक टीम की तरह खेलेंगे हम लोग। आप लोग क्या इसके पहले प्रैक्टिस करते थे क्या? नहीं, प्रैक्टिस तो वैसे होता नहीं था हम लोगों का, वैसा नहीं था, खाली जब ये अनाउंस हुआ कि टूर्नामेंट होगा उसका हम लोग 2 दिन पहले थोड़ा हल्का प्रैक्टिस किए थे हम लोग बस, और प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हुआ था वैसा, बस 2 दिन का प्रैक्टिस है और ये परिणाम है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत बढ़िया ऐसा एक अवसर मिला हम सबको क्रिकेट के साथ जुड़ने का। ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन सारे ऑटोमोबाइल डीलरशिप एक साथ खेल रहे हैं तो इसके एक आपस में एक सूझबूझ होता है, अच्छा लगता है। ऐसा टूर्नामेंट अगर कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम कि जिन लोगों ने स्कोडा, जैसे स्कोडा एंड इंप्रेशन होंडा, इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इन लोगों ने इतना अपना कीमती समय से समय निकाल के एक ऑर्गेनाइज किया, बहुत बढ़िया बात है। तो हम सबको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला खेलने का तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। अभिजीत गुंडू हूँ मैं, दुर्गा हुंडई का अकाउंट्स मैनेजर हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और उज्जवल भविष्य के लिए मेरे तरफ से, मेरे चैनल और मेरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऑर्गेनाइज किया क्योंकि हम लोग 364 डेज हम लोग काम करता है ऑफिस में, हम लोग का टाइम ही नहीं मिलता है, खेलने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए क्या किया ये गेट टुगेदर के लिए एक डेट हम लोग ये किया जहाँ हम लोग सब मिल के एक हम लोग खेला करेंगे और सब इंजॉय करेंगे, तो इसीलिए हम ये ऑर्गेनाइज किया, हम लोग इंप्रेशन होंडा एंड स्कोडा मिलके, दोनों मिलके हम लोग ये ऑर्गेनाइज किया। जाता है समाज के लिए या आपके जो मोटर्स में जो भी वर्कर हैं या इससे जुड़े लोग क्या देना चाहते हैं? नहीं एक्चुअली क्या है, एक मोटिवेशन रहेगा खेलने के लिए, एक उसका एक पावर आएगा ना, हमको खेलना है, हम वो एक साल में फिर हम
हम लोग इंडियन होंडा और स्कोडा और एक साल बाद जो से स्टार्ट करेंगे उसके लिए स्टडी करेगा ये लोग, तो खेलने का वो लोग स्टडी करेगा, मतलब हेल्थ भी सही रहेगा, तो ये इसीलिए ये सब हम लोग किया। आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि इसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे आज आके क्रिकेट खेले हैं या भाग दौड़ की है, जो भी एक प्रकार के ये खेल, ये एथलीट की तरह खेल हम लोग खेले हैं, दौड़ भाग किए हैं, तो ये हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि इससे बाद में जब ऑर्गेनाइज होगा, जब खेला होगा और बढ़िया और अच्छा खेल का प्रदर्शन होगा, और हम लोग का जितने भी हमारा युवा भाई है वो भी इस प्रकार के खेल में आके जुड़े हमसे। आज के जो जितने भी नौजवान हैं वो आज के जो नौजवान हैं जो नशा के तरफ में आगे बढ़ रहे हैं, ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के नौजवान भाई जो नशे में लुप्त हो चुके हैं, जो अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई ना नशा करो ना वार करो, करना है तो खेल के प्रति एक्सरसाइज करो, प्यार करो।